हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर वी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आज है 12 सितंबर 2017 और आज सैमसंग ने अपना लेटेस्ट फ्लैगशिप यानी कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 कर दिया है इंडिया में लॉन्च। तो आज इस वीडियो को आप एक देखते रहिए। इस वीडियो में आपसे ऐसी नोट 8 के बारे में बात करूंगा, किस प्राइस रेंज पे ये इंडिया में लॉन्च हुआ है और क्या इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस में चेंजेस के साथ कोई नया वेरिएंट इसमें लॉन्च किया है इंडिया में, या वही स्पेसिफिकेशंस के साथ जो है लॉन्च हुआ है इंडिया में, इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। हालांकि मैं स्पेसिफिकेशंस को लेकर एक वीडियो पहले बना चुका हूं, जो कि आप यहां पर कार्ड्स में देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन से आप उसके लिंक से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिकेशंस आपको इंडियन वर्जन में देखने को मिलती है, उन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। एक क्विक स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ आपको जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 में ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, वो मिलता है एंड्रॉयड 7.1.1 नोगट, जिसमें कि होगा सैमसंग का अपना टच विज यूआई। जैसा कि आप लोगों को पता है, डिस्प्ले मिलेगी आपको 6.3 इंचेस की क्वाड एचडी प्लस 2960x1440 की सुपर एमोलेड इन्फिनिटी डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन तो मैंने आपको बता दिया, जिसका जो पिक्सल डेंसिटी है वो होगी 521 PPI की, और एक्सपेक्ट रेशियो होगा 18:5:9 का। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ आपको 64 बिट ऑक्टा कोर, 2.3 GHz क्वाड कोर प्लस 1.7 GHz का क्वाड कोर सैमसंग का एक्जीनोस 8895, जो कि 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बिल्ड है, वो आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो रैम वेरिएंट जो है वो सिर्फ एक ही है, वो है 6 GB RAM। और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ आपको स्टोरेज मिलती है 64 GB की, और जैसे माइक्रो एसडी कार्ड इंस्टॉल करके आप इसे कर सकते हैं 256 GB तक एक्सपेंड। और कैमरा की बात करो तो आपको जैसा कि पता है, सैमसंग का ये पहला डिवाइस है जिसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें बैक में आपको दो मिलते हैं कैमराज, 12 मेगापिक्सल का जो पहला 12 मेगापिक्सल का कैमरा है वो है वाइड एंगल ऑटो फोकस डुअल पिक्सल सेंसर, जिसका एपर्चर है वो है f/1.7, और जिसमें मिलता है आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। और दूसरा जो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है वो है टेलीफोटो ऑटो फोकस सेंसर, जिसका एपर्चर है जिसका एपर्चर है f/2.4, और उसमें भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस कैमरा, जिसका एपर्चर है f/1.7। बैटरी की बात करें तो बैटरी वही है, कोई ज़्यादा नहीं करी, कोई कम नहीं करी है। हालांकि ये S8 S8 Plus से आपको कम देखने मिलते हैं। जो बैटरी है वो है 3300 mAh की। डायमेंशन ही वही सेम है, 162.5 × 74.8 × 8.6 mm। वेट भी वही है, 195 ग्राम्स का। तो फ्रेंड्स देखिए, ये तो बात हुई स्पेसिफिकेशंस की, और अब बात करते हैं परचेज़ की। तो यहाँ आपको ये फ़ोन जो है सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 वो आप परचेज़ कर पाएंगे 21 सितंबर से, और आप परचेज़ करेंगे इसे अमेजोन से या फिर सैमसंग शॉप से, जो भी सैमसंग के स्टोर आपको पूरे कंट्री में देखने को मिलते हैं वहाँ से। और ये जो फ़ोन है आपको इंडिया वो मिलेगा दो कलर वेरियंट्स में, जो कलर वेरियंट है वो है मिडनाइट ब्लैक और मेपल गोल्ड। दो वेरिएंट्स और थे शायद कलर के, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, मुझे अभी याद नहीं है। तो जो कंपनी है फ़ोन के साथ साथ आपको ऑफर कर रही है कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्टेबल वायरलेस चार्जर, जो कि साथ ही साथ इसमें आपको वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट का भी ऑप्शन मिलता है इस फ़ोन में। गैलेक्सी S8 के यूज़र्स जो हैं, अगर जियो सिम को यूज़ करते हैं तो उन्हें डबल डेटा ऑफर देखने को मिलेगा, जहाँ आप जो है अप टू 448 GB तक जो एक्स्ट्रा 4G डेटा है उसे आप एंजॉय कर पाएंगे 8 महीने तक। और साथ ही साथ जो है जियो प्राइम मेंबरशिप भी मिलेगी, और अगर आप इसे HDFC क्रेडिट कार्ड से इसे परचेज करते हैं तो आपको यहाँ मिलेगा 4,000 रुपये का कैशबैक। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में कुछ ज़्यादा खास नहीं था, सिर्फ आपको एक अपडेट देना था कि सैमसंग जो है इंडिया में लॉन्च कर दिया है अपना नोट 8, और कोई खास नए फीचर्स, कोई नया वेरिएंट, रैम वेरिएंट या फिर इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट यहाँ देखने को नहीं मिलता है। बस कुछ एक वायरलेस कन्वर्टेबल चार्जर है, जियो के साथ कुछ ऑफर्स मिलते हैं। तो अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो ये फ़ोन, शायद मैंने आपको प्राइस नहीं बताई हो, तो ये प्राइस है 67,990 Indian rupees। जाके खरीद सकते हैं आप इसे। और आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और कर दीजिए, अगर नहीं पसंद आई है तो साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो क्यों पसंद नहीं आई, मुझे क्या इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए अपनी वीडियो में। आप मुझे नीचे ज़रूर फीडबैक दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मुझे अपने ओपिनियंस दीजिए, क्या ये फ़ोन आपको क्या लगता है, ये मार्केट में जो नोट 8 है वो अच्छा होगा इंडिया में या नहीं होगा, क्योंकि आज यानी 12 सितंबर को iPhone 8 भी रिलीज़ हुआ है।
तो बताइएगा नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखिए। हेलो।